अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8A&B। ये चैप्टर 5 मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि पेज नंबर 16 में है। चैप्टर है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। ओके, मैं यहाँ रीड करूँगी और आप लोगों को साथ में अपना किताब खोल के देखना है। ओके, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मुसलमानों के मशहूर खलीफा थे। खलीफा बनने से पहले वो बड़ी शान और शौकत की ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन खलीफा बनते ही इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। उन्होंने शहाना ठाट बाट तर्क कर दिया। अपने सारी कीमती लिबास सामान और बीवी के जेवरात बैतुल बाल में दाखिल कर दिए और इंतहाई सादा और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने लगे। यहाँ पे क्या है कि अब्दुल अज़ीज़ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है मुसलमानों के मशहूर खलीफा थे, और खलीफा बनने से पहले वो अपनी ज़िंदगी बहुत शान और शौकत से गुजारा करते थे, लेकिन खलीफा बनने के बाद उन्होंने अपनी सारी शान और शौकत जो है उसको छोड़ दिया और बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बीवी के सारे जेवरात को बैतुल माल में दाखिल कर दिया। ओके, खलीफा बनने के बाद वो सादा लिबास पहनते, मामूली खाना खाते और कच्चे मकान में रहते थे। इनकी बीवी बच्चों की ज़िंदगी भी सादा से गुजारने लगी। वो चाहते तो अपनी बीवी बच्चों को लजीज खाना खिला सकते थे, उम्दा कपड़े पहना सकते थे, लेकिन इन्हें बैतुल माल से रकम लेना गवारा नहीं था। यहाँ शायद नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो कि खलीफा बनने के बाद वो बिल्कुल सादा लिबास पहनते, मामूली खाना खाते, कच्चे मकान में रहते, बीवी बच्चों की ज़िंदगी भी सादा गुजारने लगे, और लेकिन वो चाहते तो क्या कर सकते थे कि बच्चों को लजीज खाना खिला सकते थे, उनको उम्दा कपड़े भी पहना सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बैतुल माल से रकम लेना गवारा नहीं किया। एक मरतबा ज़िक्र है, ईद करीब थी, सब लोग अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े बनवा रहे थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बच्चों ने भी अपनी माँ से नए कपड़ों की फरमाइश की। माँ बेचैन हो गई। वो शौहर की खिदमत में जब हाजिर हुई और सारा हाल बयान किया, बीवी की बात सुनकर उन्होंने फरमाया, फ़ातिमा, मेरे पास इतनी रकम कहाँ है कि बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा सकूँ। एक मरतबा का जिक्र है कि सब लोग जो है बच्चों अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े बनवा रहे थे, तो बच्चे हैं भाई तो उनको भी नए कपड़ों का शौक़ था, तो उन्होंने भी अपने माँ बाप से कपड़े की दरख्वास्त की। लेकिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने बेगम यानी फ़ातिमा से कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कपड़े बनवा सकें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इंतहाई ईमानदारी से बैतुल माल की हिफाजत करते थे। नहाने या वज़ू करने के लिए सरकारी बावर्ची खाने में गर्म हुआ किया हुआ पानी इस्तेमाल नहीं करते थे। इन्हें बैतुल माल में रखी हुई मश्क को सूंघना तक गवारा नहीं था, मतलब कि वो बैतुल माल से कुछ भी खर्च नहीं करते थे, यहाँ तक कि गर्म किया हुआ पानी भी उन्हें गवारा नहीं था, उन्हें रखी हुई मश्क को सूंघना भी गवारा नहीं था। तो समझ में आता है कि वो कपड़े कैसे सिलवा सकते थे अपने बच्चों के लिए। एक रात वो किसी सरकारी काम में मसरूफ थे और सरकारी चिराग जल रहा था। इन्हें इतने में एक मुलाकाती सिर्फ इनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आ गया। उन्होंने सरकारी चिराग बुझा दिया और अपना ज़ाती चिराग मंगवा कर जलाया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अपने इर्द गिर्द खुश आमदियों को देखना पसंद नहीं करते थे। वो अक्सर आलिमों को बुलवाते और इनसे नसीहत की दरख्वास्त करते। वो चाहते थे कि उल्मा इंसाफ करने में उनकी रहनुमाई करें, नेकी के कामों में मदद करें, हाजतमंदों की हाजतें इन तक पहुँचाएँ और इनके सामने किसी की गीबत ना करें। ठीक है, एक दिन क्या था कि वो किसी बैतुल माल के काम में ही मसरूफ थे। चिराग जो है सरकारी जल रहा था, मतलब क्या बोल रहे हैं कि वो बैतुल माल के काम में मसरूफ थे, इसलिए वो सरकारी चिराग जलाकर उस काम में मसरूफ थे। लेकिन उसी वक्त किसी इंसान उस वक्त क्या हुआ कि कोई आया उनसे मुलाकात करने के लिए, फौरन उन्होंने सरकारी चिराग को बुझा दिया, क्योंकि अब जो वो इंसान मिलने आया है वो सरकारी काम नहीं था, वो उनका पर्सनल था, तो इसलिए उन्होंने अपना ज़ाती चिराग मंगवा कर जलाया। ओके, ये इतने ईमानदार थे और उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके इर्द गिर्द जो है लोग भटके और उनसे खुशामद करें किसी भी काम के लिए। वो उल्मा को बुलाते और इंसाफ करने में उनकी उनकी राय लेते, उनकी मदद लेते। ठीक है, वो मुलाजमों के आराम का ख्याल रखते और किसी काम को कमतर नहीं समझते थे। एक बार रात को किसी मेहमान से गुफ्तगु फरमा रहे थे कि दफ़तन चिराग जल मिलाने लगा। करीब ही एक मुलाजिम सोया हुआ था। मेहमान ने कहा, इसको जगा दो।
बोले, सोने दो। मेहमान ने कहा, मैं खुद उठकर चिराग ठीक कर दूँ। फरमाया, मेहमान से काम लेना मुनासिब नहीं, आप खुद ही उठें। बर्तन से जैतून का तेल लिया और चिराग को ठीक करने के करके पलटे तो कहा, जब मैं उठा था तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था, और जब पलटा तब भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हूँ। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि वो मुलाज़मों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनको कभी भी अपने से कमतर नहीं समझते। एक बार रात को किसी मेहमान से गुफ्तगू कर रहे थे, यानी बातचीत कर रहे थे, तो चिराग जो है छिलमिलाने लगा, मतलब चिराग का जो घी था वो, यानी तेल जो था वो कम होने लगा। करीब एक मुलाजिम सोया हुआ था, मेहमान ने कहा, उसको जगा दूँ? तो बोले, सोने दो, मतलब मुलाजिम को सोने दो। मेहमान ने कहा, मैं खुद उठकर चिराग ठीक कर देता हूँ। तो उन्होंने फरमाया, नहीं, मेहमान से काम लेना उनको मुनासिब नहीं लगता, तो आप खुद उठे और जैतून का तेल लिया और चिराग को और जलाया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जब मैं उठा तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था, और जब पलटा तब भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, मतलब चिराग को जलाना या बुझाने से उनका जो दर्जा कम नहीं हो गया, वो जो थे वो अब भी हैं। इनके जमाने में बड़ी खुशहाली थी, लोग इनके पास कसरत से माल लाते और कहते, गरीबों में बांट दीजिए, लेकिन वो ये कहकर माल वापस कर देते थे, हाजतमंद नहीं मिलते, फिर ये माल कैसे दिया जाए। उन्होंने लोगों की सहूलत के लिए सराएँ बनवाए, शराब पर पाबंदी लगाई, बेजार रस्मों को ख़त्म किया, गुलामों और बांदियों को आज़ाद कराया, शाही ख़ानदान के लोग और हुकूमत के अफसरों के ज़ुल्म सितम से अवाम को निजात दिलाई। उनकी खिलाफत का ज़माना सिर्फ 2 साल 5 महीने रहा। हैरत इस पर है कि इतनी कम अरसे में ये सारी असलाहत अमल में आ गई। तारीख में ऐसे आदिल नेक और परहेजगार इस्लामी हुक्मरान का नाम हमेशा रोशन रहेगा, इन पर अल्लाह की रहमत हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उनके ज़माने में बड़ी खुशहाली के लोग, मतलब खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे। ठीक है, उन्होंने इतने कम वक्त में लोगों के लिए बहुत सारी सहूलतें फराहम की, सराए बनवाए यानी गेस्ट हाउस बनाया, शराब पर पाबंदी लगाई, बेजा रस्म यानी फजूल रस्म जो था उस ज़माने में उसको ख़त्म किया, ग़ुलाम और बांदियों को आज़ाद भी कराया, शाही ख़ानदान के लोग और हुकूमत के अफसरों के ज़ुल्म सितम को आवाम से निजात भी दिलाया। तो इनके खिलाफत का ज़माना कितना था? सिर्फ 2 साल और 5 महीने। तो इतने कम अरसे में इन्होंने बहुत सारे काम अंजाम दिए। तो ऐसे आदिल नेक और परहेजगार इस्लामी हुक्मरान का नाम हमेशा ज़िंदा रहना ही चाहिए। ओके, तो आई होप कि ये चैप्टर आप लोग सबको समझ में आया हो। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए, मुख्तसर जवाब दें यहाँ पे। नंबर 1, खलीफा बनते ही उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़िंदगी किस तरह बदल गई। नंबर 2, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने बच्चों की फरमाइश क्यों पूरी ना कर सके और नए कपड़े क्यों बनवा सके। नंबर 3, एक मुलाकातें के आने पर खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सरकारी चिराग क्यों बुझा दिया। खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने दौरे खिलाफत में कौन कौन से काम अंजाम दिए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की खिलाफत का ज़माना कितना था। 5 क्वेश्चन है 5 सवाल है, और सारे सवाल के जवाब बहुत ही आसान है, सबके सब बुक में मिल जाएंगे आराम से। ओके, उसके बाद खाली जगहों को पुर करो, और ज़िद बनाना है आपको, गवारा, ईमानदारी, आलम, गुलाम, कच्चा। ओके, उसके बाद कुछ जुमलों वर्ड है यहाँ पे जो जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। 3rd बार, फरमाइश, हाजतमंद, लजीज, आदिल। ओके, थैंक यू, आप लोग इसको जितने काम दिए मैंने आपको इसको कंप्लीट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।